चलिए सीधा केरल की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर राहुल गांधी वायनाड पहुंच चुके हैं और वहां पर अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए भीतर दाखिल हो चुके हैं। कुछ देर बाद 2 किलोमीटर लंबी उनके रोड शो की शुरुआत की जाएगी। वायनाड में नामांकन के लिए राहुल गांधी उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर वो पूरी प्रक्रिया इस समय चल रही है। उनकी बहन प्रियंका वाड्रा उनके साथ नामांकन के लिए पहुंची है। राहुल के स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ वहां पर है। जितने भी कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं सब कह रहे हैं कि राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री भारत के होंगे। पोस्टर लगे हुए हैं, इस तरह के नारे इस तरह के लग रहे हैं और इसे एक पीएम उम्मीदवार की कंस्टिट्यूएंसी के तौर पर इसका रुतबा सब देख रहे हैं। और हम लगातार श्वेता, मैं आपको बताऊं, जो ये जो गाड़ी है उस पर जो बैठे नेता हैं, खड़े नेता हैं जो राहुल गांधी के साथ, वो एम रामचंद्रन हैं जो केरल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, रमेश चेनितिला हैं और मुझे लगता है ओमन चांडी या तो पीछे हैं क्योंकि राहुल गांधी खोज रहे थे उनको, ऐसा लगा मुझे। वो बार बार नीचे देख रहे थे कि ओमन चांडी किधर है, लेकिन ओमन चांडी दिख नहीं रहे हैं। ये बड़ी दिलचस्प बात है। तो इससे एक नई जान फूंकने का भी, जो स्थानीय नेता हैं कांग्रेस के उन्हें तो कम से कम आभास हो रहा होगा, क्योंकि अगर वहां पर लड़ रहे हैं, वामपंथी सरकार के खिलाफ भी लड़ रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि वहां पर कभी उस गढ़ को तोड़ पाए तो उन्हें लग रहा है कि शायद उसका प्रवेश द्वार यहां से खुल रहा है। मुझे भी लगता है कि ये बड़ा ही एक लिमिटेड वेस्टेड इंटरेस्ट है केरल कांग्रेस के टॉप लीडर्स का, कुछ एक टॉप लीडर्स का, कि वायनाड ले जाकर के राहुल गांधी को अपनी जो स्थिति खराब हो गई थी केरल में उसको कैसे बैलेंस किया जाए। लेकिन नेशनल इंटरेस्ट और अपोजिशन का एक ब्रॉडर जो यूनाइटेड एफर्ट है, मुझे लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं इससे दिक्कत आ रही है, क्योंकि लेफ्ट आज की स्थिति में राहुल गांधी के आरएसएस बीजेपी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी जी के सरकार के खिलाफ जो एक निशाना है, जो एक बैटल है, उसमें लेफ्ट एक उनका साइलेंट ही नहीं बहुत मुखर एलाई था। अगर मैनिफेस्टो आप देखिए कांग्रेस पार्टी का, लगभग लेफ्ट जो है इंडोर्स करता नजर आ रहा था। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि एक कहीं ना कहीं इससे एक प्रॉब्लम तो जरूर क्रिएट होगी। लेकिन उससे श्वेता एक बात और पूछने वाली है कि देखिए, ये तो जब से केरला का निर्माण हुआ है इस प्रदेश का, तभी से कांग्रेस और वामपंथी एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। इस बार क्या हुआ जो कि मुखर होकर इतना, जिसे कहते हैं कि दर्द होकर और उनका इतना हर्ट होकर कि ये जो वामपंथी हैं वो कांग्रेस पर प्रहार कर रहे हैं, हुआ क्या इस बार? यानी कि एक ही सीट है ना वायनाड की, चलिए इससे कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत वहाँ पर इसका असर हो जाएगा केरला की कुछ एक चंद और सीटों पर। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि जबकि ये पश्चिम बंगाल में टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग न कर पाए हैं वामपंथी और कांग्रेस पार्टी, ये ना कर पाए हैं किसी भी बिहार में नहीं कर पाए हैं, तो अब ये यहाँ आकर इसका अगर ये सबूत देख रहे हैं, हुआ क्या कि जिसमें इतना ज्यादा वामपंथी की तरफ से प्रहार हो रहा है? ये तो इतने साल जब अनाउंस हुआ था कि राहुल गांधी जी वायनाड जाएंगे, तो यकीनन हम जैसे पत्रकार ये सोच रहे थे कि लेफ्ट और कांग्रेस में कोई अंडरस्टैंडिंग के तहत हुआ है कि राहुल गांधी जी दक्षिण की सीट से लड़े और ये सबकी सहमति है। लेकिन अचानक जब प्रकाश कारात ने एक ब्रीफिंग में कह दिया कि ये बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं और हम बिल्कुल मुखालफत करेंगे और जोर शोर से लड़ेंगे, तब समझ में आया कि ये कहीं ना कहीं कोई चूक हो गई है, चाहे दोनों तरफ से हो, एक तरफ से हो। कांग्रेस पार्टी अपने आप को अपना एक तरह से रुतबा दर्ज करने के लिए भी, उत्तर प्रदेश हो जहां पर कहा कि 2 सीटें नहीं लेंगे, हर सीट पर हम जाकर आपका सामना करेंगे, बंगाल में नहीं बन पाई बात, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ नहीं बन पाई बात, यहां पर केरल में राहुल गांधी वायनाड में इस समय अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। मीनाक्षी के पास एक बार फिर लिए चलते हैं। मीनाक्षी, ओमन चांडी आ चुके हैं। जी श्वेता, देखिए जबरदस्त भीड़ यहाँ पर इस गेट के बाहर है क्योंकि राहुल गांधी अंदर मौजूद हैं और जैसे ही गेट पर हलचल हुई क्योंकि वहाँ पर कुछ पुलिसकर्मी दिखाई दिए तो लोगों को ऐसा लगा कि शायद राहुल गांधी यहाँ से बाहर आ सकते हैं। हालांकि अभी क्लैरिटी नहीं है कि वो किस गेट से बाहर निकलेंगे, लेकिन जो भीड़ यहाँ पर इस वक्त दिखाई दे रही है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि राहुल गांधी कम से कम वर्कर्स को अभिवादन स्वीकार उनका करने के लिए हो सकता है कि इस तरह से आते हुए बाहर निकले, और इसीलिए आप यहाँ पर देखिए जबरदस्त जमावड़ा है भीड़ का, किसी भी वक्त वो बाहर आ सकते हैं और उसके बाद यहीं से वो रोड शो
शुरू होगा जिसमें ये माना जा रहा है कि कुछ दूरी तक वो जाएंगे और जो भी लोग चाहे यहाँ जो रिहायशी इलाका है, छतों पर लोग हैं, बालकनी में लोग हैं, दफ्तर का जो ये बिल्डिंग का इलाका है, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग खड़े हैं, तो कम से कम उन सभी लोगों के बीच से गुजरते हुए निकलेंगे। और यहाँ पर इस वक्त जो केरल स्टूडेंट यूनियन है उसके सदस्य भी जबरदस्त नारेबाजी कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी का विरोध है तो दूसरी तरफ नारों में राहुल गांधी की जीत के लिए बड़े बड़े दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं। हिंदी भाषी लोग थोड़ा कम है लेकिन उसके बावजूद हम कोशिश कर रहे हैं कुछ लोगों से बात करने के लिए। कितने बड़े गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी प्रणाम, राहुल गांधी देखिए श्वेता, मुझे मालूम नहीं मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है नहीं, लेकिन नारेबाजी का जबरदस्त शोर है यहाँ पर और किसी भी वक्त यहाँ से राहुल गांधी बाहर निकल सकते हैं और इसीलिए यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और कोशिश शायद सभी कार्यकर्ताओं की यही है कि कम से कम कारवां के साथ साथ आगे बढ़े। राहुल गांधी जीत के दावे अपनी तरफ, पार्टी अध्यक्ष बाहर आए, इंतजार उसका भी। जी क्या कहना? राहुल गांधी इस बार जीतेगा इधर एकदम। हाँ अच्छा, एकदम जितना बोले ना फुल सपोर्ट राहुल गांधी के इधर, बाकी कोई भी सीट नहीं मिले फुल पूरा। बीजेपी ये कह रही है कि अमेठी से वो हार रहे थे, डर के मारे कौन बोला? अमेठी से हार नहीं सकते, टक्कर है इसलिए। हाँ उससे ओपोजिशन हमें टक्कर लेने के लिए हम एक वहाँ दिए हैं, यहाँ मेरा सीट कंफर्म है, वहाँ राहुल गांधी को वहाँ भी है। अच्छा, अगर दोनों सीट से जीतते हैं अमेठी से भी वायनाड से भी, तो कौन सी सीट अपने पास रखेंगे? वायनाड को कहीं इग्नोर तो नहीं कर देंगे? नहीं, वायनाड रहेगा, वायनाड तो है ही, वायनाड तो राहुल गांधी यहाँ भी है, वहाँ भी अमेठी में भी है ना, तो दोनों साइड से रहेगा अपने। यहाँ का जिसको हैंडल करे वो तो सर का बात है, जीतने की बात की बात हो, अभी जो है ना फिलहाल अभी पूरा सपोर्ट है कांग्रेस का राहुल गांधी मेजोरिटी है। जी, जब नरेंद्र मोदी लड़ रहे थे वडोदरा और वाराणसी से, उस समय भी ये सवाल उठता था कि कहाँ से रहेंगे, और मुझे लगता है देखिए वायनाड रखेंगे उसका, अगर दोनों जगह नहीं, अगर अमेठी से कोई और लड़ेगा तो उसके बाद तो वापस नहीं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर दोनों जगह से जीत गए राहुल गांधी वायनाड और अमेठी से, तो मुझे लगता है वायनाड रखेंगे, कारण कि फिर अमेठी से प्रियंका गांधी को लड़ाएंगे ताकि ये सीट उनके परिवार में ही रहे अमेठी, मुझे ये लगता है। लेकिन श्वेता यहाँ ये कह देना ज़रूरी है, पहली बार इस पूरे चुनाव में यहाँ पर आज तक के स्टूडियो में बैठ करके मैंने पहली बार देखा है किसी भी जो कार्यकर्ता या जो भी जनरल पब्लिक आई हुई उन्होंने गांधी जी की इतनी बड़ी तस्वीर रखी हुई थी। पहली बार गांधी जी का देख करके थोड़ा सा आंखें नम हो गई कि ये जो हमारे सबसे महान नेता वो कितने दूर पिछड़े हुए हैं हमारे चुनाव से। लेकिन इस भीड़ में, इस सभ्य भीड़ में मुझे कहना चाहिए उन्होंने गांधी जी की तस्वीर ज़रूर पकड़ी हुई थी। जफर इस्लाम जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, जो आप ब्रेक से जाने से पहले जो बातें हो रही थी, जो कांग्रेस और सीपीआई के बीच में जो परिहार एक दूसरे को उन्होंने जो के बारे में जो बातें कही, सुरेश से दो बातें निकल के आती। पहली बात ये निकल के आती है कि दोनों अपॉर्चुनिस्ट पार्टी है, दोनों मुखौटा पहने हुए हैं, दोनों एक किसी तुष्टिकरण की पॉलिसी फॉलो करती, इसलिए मौका को देख के अपने हालात के हिसाब से आज सीपीआई कहीं हाथ जो बुलाती है कहीं हाथ हटाती है, इससे समझ में आता है कि उनका असल मकसद क्या है, सिर्फ सत्ता। लेकिन आज देश की जनता जान चुकी है कि इनकी सच्चाई जान चुकी है, दोनों चाहती कांग्रेस के रणनीति कार्ड नहीं चाहते कि बीजेपी हिंदुस्तान से आ रहे घर पे। आप इसके लिए प्रश्न है, तुष्टिकरण वाली पार्टी जो यहाँ पे पहुंची तब इन्हें तकलीफ हो रही है, कहीं और उनको तकलीफ। अरे सुन लीजिए, मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ, कहीं जहाँ आपको लगा आज कांग्रेस तुष्टिकरण वाली पार्टी आपके आपके बैस्टियन में घुस गई तो आपको तकलीफ हो रही है,
केरला में, देखिए दोनों चीजें ऐसे नॉर्थ ईस्ट में भी जो आपका जो किला था वहां ध्वस्त हुआ, यहां पर भी आपका किला ध्वस्त होगा। कांग्रेस तो यहां ध्वस्त हो चुकी है, ये जान के रखिए। धीरे धीरे सीपीआई एक लास्ट इसका जो है अरेबियन सी के बगल में है, वहीं आपको डुबो दिया जाएगा, ये याद रखिएगा। इसलिए कि आपकी जो पॉलिसी है अपॉर्चुनिस्टिक है, सिर्फ अपने आप के लिए, अपने पार्टी के सत्ता में रहने के लिए इस तरह की बात है, लेकिन आप समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते। समाज को आपने वेस्ट बंगाल में किस तरह से खराब करके रखा, और आपकी पॉलिसी पर चलने वाली आज ममता को भी देखिए किस तरह से हार का सामना देखना पड़ेगा। संजीव राजपूत जी, सीपीआई नेता जैदी जी, आपने आप पर आरोप लगाया था, उस समय मैं प्रतिक्रिया आपसे ले नहीं पाई। सुरेंद्र राजपूत जी, उन्होंने सीधे सीधे आप पर आरोप लगाया था कि अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को साधने के लिए आप मुसलमानों के नाम पर वोट लेते हैं, लेकिन मुसलमानों की भले के लिए फिर कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं करती। अब अमीर हैदर जैदी साहब हैं, इस वक्त परेशान हैं, मैं इनके बड़े नेता हैं, सम्मानित नेता हैं, व्यक्तिगत कोई बात नहीं कहूँगा, लेकिन मैं एक चीज़ खाली बता देता हूँ कि पहले तो मुसलमानों की बात करनी बंद करें। वायनाड की सीट पर 28% मुस्लिम और 22% ईसाई हैं, और बाकी सब वहाँ पर अन्य हिंदू जाति के लोग हैं, जिसमें आदिवासी। उनकी आवाज़ हम तक आ नहीं रही है। ये जो तस्वीरें हैं, जैसा कि स्पष्ट है तस्वीर देखकर कि राहुल गांधी अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, आपको आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ मिल रही है? जी जी जी, बोलिए। मुझे आवाज़ मिल रही है? आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? जी जी, बोलिए, अब आवाज़ आ रही है। जी मैं ये हाँ मैं ये कह रहा था कि आदरणीय श्री जैदी साहब ने जो बातें कही, मैं उनको स्पष्ट कर दूं कि वहाँ पर सिर्फ मुसलमान नहीं है, वहाँ पर 28% मुस्लिम आबादी है, 22 क्रिश्चियन है, और लगभग 50% के आसपास अन्य धर्म के लोग हैं, जिसमें हिंदू जाति में दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं, और बाकी सब समुदाय के लोग हैं। तो ये मुसलमान मुसलमान करना बंद करें। हम हिंदू मुसलमान चुनाव में नहीं करते, हिंदू मुसलमान सिर्फ नरेंद्र मोदी जी करते हैं चुनाव में, और उन्होंने जिस तरीके की भाषा का उपयोग किया, मुझे नहीं लगता कि आजाद भारत में किसी प्रधानमंत्री ने हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगा हो। हमारी तो मांग है कहीं ना कहीं चुनाव आयोग से कि श्री नरेंद्र मोदी जी के चुनाव प्रचार को रोका जाए, क्योंकि वो इस वक्त धर्म के नाम पर विभेद पैदा करने का काम कर रहे हैं और धर्म के नाम पर वोट मांगने की बात कर रहे हैं। और रही बात दूसरी, केरल में हमेशा हमारी लड़ाई लेफ्टिस्टों से थी, और भारतीय जनता पार्टी तो वहां है ही नहीं। हम पहले भी लेफ्टिस्ट से लड़े हैं और आगे भी लेफ्ट से लड़ेंगे, और इस बार क्या मैं जैदी साहब से पूछ रहा हूं, आप क्या हमें चाहते हैं कि हम आपको वॉकओवर दे दें? अगर राहुल जी नहीं खड़े होते, क्या कांग्रेस का दूसरा कैंडिडेट नहीं खड़ा होता? कैसी बातें कर रहे हैं? पिछली बार भी हम आपसे लड़े, इस बार भी लड़े, जहां आप होंगे हम आप ही से लड़ेंगे सर। और रही बात जब राष्ट्रीय स्तर पर बात आएगी, तो ये आपको भी तय करना है। देश की जिम्मेवारी जितनी हमारी है, उतनी लेफ्ट की भी जिम्मेवारी है, इस बात को याद रखना होगा। आप मलियाना, हाशिमपुरा, ये सारी बातों को याद दिला करके बाकी चीजों को भुलवा नहीं सकते हैं। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा कहना उचित नहीं है। जैदी जी से हम जवाब लें, उससे पहले तस्वीरों को एक बार फिर आपके सामने हम रख दें। 2014 की अमेठी की तस्वीर आप देख रहे हैं, जब राहुल गांधी अपने नामांकन दाखिल करने के लिए गए थे। बहन प्रियंका उनके साथ उस समय भी थी, आज भी रिटर्निंग ऑफिसर के सामने बैठे हुए हैं, अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। इसके बाद होगा रोड शो का कार्यक्रम, और आज भी प्रियंका गांधी वाड्रा उनके साथ हैं। जी जैदी साहब, जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, एक चीज तो ये स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस और बीजेपी मिलकर लेफ्ट को हराना चाहते हैं, ये तो चीज स्पष्ट हो गई सुरेंद्र के बयान से, सुरेंद्र राजपूत जी के बयान से भी, और जफर इस्लाम साहब के बयान से भी। अब आशुतोष जी जो कह रहे थे, उनके लिए एक जवाब देता हूं। अब यात्रा अंतिम है, अब खत्म मसाफत है, अब प्यार का आखिर है मेरा तेरे घर आना, ये तय हो गया है कि ये अब इन्हें सोचना पड़ेगा कांग्रेसियों को। जो लेफ्ट इनका जनाजा ढोता था, अब वो ढोने के मूड में हम नहीं। क्यों? कि कांग्रेस नहीं चाहती कि बीजेपी हारे, कांग्रेस बल्कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर ये चाहते हैं कि लेफ्ट के साथ खिलाफ लड़ना है, क्योंकि दोनों एक ही तरह के सट्टे बट्टे, दोनों दक्षिणपंथी पार्टी है, ये देश को सोचना है। और ये कह रहे हैं कि बलियाना हार, हाशिमपुरा याद ना दिलाऊं तो भिवंडी और भागलपुर याद दिला देता हूं, बिजनौर और मुरादाबाद भी याद दिला देता हूं,
ये सब आपके कार्यकाल के अंदर हुए, जहां मुसलमानों की आपने पूरी एक कत्लेआम किया था और उसके बाद आप मुसलमानों के वोट मांगने के चले जाते हैं, जहां 53% मुस्लिम है। हमें नहीं मालूम, हम चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट ना हो, ये तो हमारी मांग है। जात बिरादरी के नाम पे वोट नहीं होने चाहिए, हम तो कहते हैं कि कॉलम के अंदर भी नहीं लिखा जाना चाहिए हिंदू मुसलमान, लेकिन ये आपने किया है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर तो गौर कर लीजिए, क्योंकि आपका नजर आता है कि आपने आज तक क्या किया है। मैंने आपसे फिर स्पष्ट कहा है कि कांग्रेस हरी घास में हरा साफ है और बीजेपी हरी घास में काला है। राष्ट्रीय स्तर लेकिन ये हरी हरा साफ जो है थोड़ा घास से बाहर आ गया, ये नजर आने लगा कि हाँ ये भी एक नाग है। अरे आमिर साहब, मैंने जो सवाल पूछा आपका उसने जवाब नहीं दिया, आप दाएं बाएं हो रहे हैं। आपका मेरा सवाल ये था खत्म मसाफत है, कांग्रेस का आखिरी है बीजेपी के समान है, तो क्या राष्ट्रीय स्तर पर किसी तरीके की कोई गठबंधन, कोई दोस्ती, कोई आप फोटो आप में डी राजा साहब या सीताराम येचुरी या प्रकाश कारत, राहुल गांधी, प्रियंका के साथ नहीं दिखाई पड़ेंगे ना? हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं खींचेंगे, लेकिन आशुतोष जी आप जैसे बहुत अच्छे आदमी हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है जिनके साथ फोटो खिंचाई जा सकती है, उसमें आशुतोष भी एक है। आशुतोष जी आप जब थके गए तो हम के साथ ये है, मतलब ये मान लिया जाए, मान लिया जाए कि आपकी आपके आज तक चैनल पे आपने कह दिया कि सीपीआई और लेफ्ट ने राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के साथ संबंध विच्छेद कर लिया है, मतलब ये नेशनल हेडलाइन है कल के अखबार की। राहुल बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी का इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन कांग्रेस के रणनीति का अब राहुल गांधी का दोष